मकसद यही है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो इंसानियत के हवाले मिशन है, इंसानियत की बका के लिए, इंसानी अकदार को बुलंद करने के लिए, ये खून जब ये आज़ादार ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो हैं आज अपना खून लेकर यहाँ आए हैं ताकि इनका खून ज़रूरतमंद मरीज़ों तक पहुँचे और एक मैसेज आए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंसानियत के हवाले से जो पैगाम है वो इस तरह से आम हो। आप देख रहे हैं कि किस जोश खरोश से आज यहाँ तमाम जवान आए हैं और हमारी बहनें भी आए हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इश्क में अपना खून दे रहे हैं एक ज़रूरतमंद मरीज़ तक पहुँचाने के लिए। तो ये इसी बात का अक्कास है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद में और आशूरा के मकसद में, करबला के मकसद में जो इंसानियत का पैगाम मुजमिर है उसको आम करने के लिए ये हमारा एक तरीका है। हमारा आज है इमाम हुसैन की तरफ से ग्लोबल एक इवेंट जो हम कर रहे हैं 6 कॉन्टिनेंट्स में। हमारे मोर देन 250 वेन्यूज़ पे आज ब्लड डोनेशन ड्राइव हो रही है थ्रू आउट द ग्लोब, मोर देन 60 कंट्रीज़ में ये हो रहा है इस टाइम, और हमारा कश्मीर में इस टाइम हो रहा है, 5 वेन्यूज़ पे हो रहा है, इमामबाड़ा, बडगाम, जड़ीबल, बिमना, गांधू एंड नोदरी। यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो 2500 है और हमारा जो ग्लोबल टारगेट है वो है 50,000, जिसकी वजह एक ब्लड पॉइंट जो है वो हम 3 लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स 50,000 जो हमें पॉइंट्स जमा होंगे, दैट इज़ 150,000 जो है लाइव हम सेव कर रहे हैं। वो जो हमारा एक ग्लोबल इवेंट है ये हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हम आज कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे डोनर्स आ रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स बोथ कैसे आ रहे हैं जोश और जोश और अपना खून का। जनरल पब्लिक का के लिए हमारा ये मैसेज है, यूथ के लिए हमारा ये मैसेज है, जिस तरीके से भी आप समाज के काम आ सकते हैं, ह्यूमैनिटी के काम आ सकते हैं, आप वो काम करें, बी इट ब्लड डोनेशन, बी इट एनी ग्लोबल कॉज, बी इट एनी कॉज, जैसे भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं वैसे करें। यूथ के लिए खास तौर पर हमारा ये मैसेज है क्योंकि ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो कहीं पर मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है, ये ह्यूमन बॉडीज़ में ही है जो ब्लड है। तो यूथ के लिए हमारा ये मैसेज है कि आप ब्लड डोनेट करें ताकि वो लोग उनके काम आए और बाकी जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी जो बाकी सारे काम है यूथ उसमें जुड़ जाए ताकि ह्यूमैनिटी के काम आ सके। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे चैप्टर्स जो है 6 कॉन्टिनेंट्स में है और हम इंस्पायर्ड है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और हम रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करते आ रहे हैं, डिफरेंट चैरिटेबल एक्टिविटीज करते आ रहे हैं। आज जो आप देख रहे हैं कि हमारा ये ग्लोबल कैंपेन है, ग्लोबल ब्लड डोनेशन कैंपेन हो रहा है, जहाँ पर हम लोगों ने टारगेट रखा है 50,000 ब्लड डोनेशन का और हम टारगेट कर रहे हैं कि सेव करने का 1,50,000 लाइफ। हम सब इंस्पायर्ड है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी उससे, और जैसे हम जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था वो इंसानियत के लिए था और हम उसी पैगाम को कायम रखना चाह रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग आए हैं इंस्पायर होकर ताकि वो भी डोनेट कर सके ब्लड, डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि ये ब्लड कैसे आगे किसी भी क्रीड के लिए जाए, किसी भी रिलीजन के लिए जाए, किसी भी जात के लिए जाए, ये जो इंसानियत का पैगाम है वो इन सब बैरियर्स को तोड़ देता है, चाहे वो मजहबी बैरियर हो, नस्ल का बैरियर हो या जात का बैरियर हो। हम सब यही चाहते हैं कि सारे आगे आए। जब हम देख रहे हैं आज की दुनिया जो है वहाँ आज इंसानियत ख़त्म होने की वर्ज पे आ चुकी है, ऐसा पैगाम जहाँ पर आप देख सकते हैं तादाद लोगों की ग्लोबली कितनी आगे आ रही है ताकि एक रिकॉर्ड कायम कर सकें और ब्लड डोनेट कर सके और जिंदगियों को बचाया जा सके, क्योंकि ब्लड की जो शॉर्टेज है ओवरऑल ग्लोब में रहती है और बहुत सारे जान गवा बैठते हैं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द ब्लड। तो ये एनकरेज भी करता है आगे आने के लिए, अच्छा करने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और यही हम चाहते हैं कि ये भी आइंदा कायम रहे। ये एक यूनिवर्सल मैसेज है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो हम सब तक पहुँचाना, मेरा भी यही मतलब था। तो आजकल हम देख रहे हैं जिस तरह हम देख रहे हैं पूरी दुनिया जो कि एक इंसानियत खो चुकी है, आपको लग रहा है कि इससे एक मैसेज आएगी, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ,
ऐसा? यस ऑब्वियसली ये मतलब एक मैसेज आएगी सबके लिए जो भी मतलब ये सोच रहे हैं कि हम मतलब अगर कुछ करना चाहेंगे ह्यूमैनिटी के लिए तो ऑब्वियसली उनके लिए काम आएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कर्बला में शहादत दी, उस शहादत का मकसद अगर हम देखें तो कहाँ पर आप उसको देख रहे हैं? जी मुझे लगता है मैं उसको ऐसे देख रही हूँ कि मतलब इमाम हुसैन साहब ने जान दे दी ये बताने के लिए, ये कहने के लिए कि आप जब भी कभी आपको लगे कि बातिल के लिए आपको लड़ना है तो आप मतलब जान से लड़ो, क्योंकि आपको उस टाइम लगेगा कि आपके आप मारे जाओगे, आप पे जुल्म सितम किया जाएगा, बट लास्ट में आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि आपने एक आपने मतलब अपनी जान दी है वो किसी मतलब बहुत बड़े चीज़ के लिए दी है, आपने जान दी है आपने इसलिए दी है क्योंकि आप मतलब ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हो, आप हक के लिए लड़ना चाहते हो। थैंक यू डियर।